परसों जिस तरह से सरकार बनने के अगले ही दिन जयपुर में हवा महल इलाके में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बाबा जिस तरह से सड़कों पर उतरा और उसके बाद जिस तरह का हंगामा किया गया और उसके समर्थक जो उसके साथ मौजूद थे उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दी और मुसलमानों की दुकानों पर गोश्त की और होटलों पर जिस तरह से बंद किया गया, दहशत फैलाई गई, डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चलेंगी, लेकिन बाबा बाल मुकुंद अगले ही दिन अपनी बात से पलटता हुआ नजर आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम महिला के साथ खड़ा होकर के, खुद तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है मुसलमानों के दरमियान पहुंच करके, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर के ये मुस्लिम महिला ये कह रही है कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और ये चुपचाप खड़ा होकर के, वही बाबा जो एक दिन आतंक फैला रहा था, मुसलमानों को डरा रहा था, मुसलमानों को धमका रहा था, अगले ही दिन वो इस तरह से बदल गया। ऐसा लगता है कि दिल्ली से फ़ोन चला गया और ये महिला साथ खड़े होकर के, ये मुस्लिम महिला साथ खड़े होकर के उसकी तरफ से मुसलमानों को आश्वस्त कर रही है, मुसलमानों को गारंटी दे रही है। सुनिए पहले ये वीडियो। गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो हवाई महल जो मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है, और जो ये सब भातियां फैलाई जा रही हैं इनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही हैं, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही हैं। जो अतिक्रमण है वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा और बीजेपी की सरकार में आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जैसा एक हिंदू भाई को मिलता है। जय हिंद। इसके साथ ही कल हमने बाबा का एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का आपको दिखाया था, लेकिन पूरा वीडियो अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, वो भी एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ऐसा लगता है बाबा की लैंग्वेज से कि पूरी तरह से पाला पलट गया है, दिल्ली से फ़ोन गया है, धमकाया गया है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनावों में ये मैसेज साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चला गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान किसी कीमत पर वोट नहीं देगा, क्योंकि आपके नेता लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था 2019 में कि 15-16% मुसलमानों ने वोट दिया है मोदी के नाम पर और महिलाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, लेकिन अब वो जो अब आंकड़े आए हैं ये सारी चीज़ें फर्जी साबित हुई हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें और सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं और ज़्यादा ख़ासतौर से जो सेकुलर वोट है, मुसलमानों का वोट है, वो खिसकता हुआ नज़र आता है। तो सुनिए ये वीडियो। और वो नालों पे गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हमारी, तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो दे रहे, कन्फर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूँ, मैं एक शिकायत करता हूँ आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ कि आप आम नागरिक होने के नाते आपके आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं। मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग पूरा परिवार है ये हमारा, इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच चाहिए, और इस समस्या को मौके पर देखा गया तभी बोला, और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं किसी को बुरा लगाओ तो। बाकी अधिकारियों से फिर भी मेरी प्रार्थना निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें, टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा
और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। तो देखा आपने एक ही दिन में बाबा की लैंग्वेज किस तरह से बदल गई और कई और वीडियो और फोटोज जो है बाबा के वायरल हो रहे हैं। एमएम होटल, एमएम हाजी होटल जहां पर पहुंच करके हंगामा किया गया था, उसके मालिक के साथ भी एक फोटो वायरल हो रहा है। दाढ़ी वाले हाजी साहब जो है उनके साथ खड़ा होकर के उनको फूल पहना रहा है और बाबा को भी जो है फूल की मालाएँ पहनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम जो है अगले ही 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में बाबा का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। बाबा के साथ साथ उसके जो अंधभक्त हैं जो खूब हंगामा काट रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब बाबा की इस हालत को देख करके खुद परेशान हो उठे होंगे कि आखिर हम जिसके बल पर हंगामा काटने की योजना बना रहे थे, वो बाबा ही खुद सरेंडर कर गया, तो हम आगे अब इस मामले को कैसे लेकर जाएं। शुक्रिया, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।